गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे आव्यूह, जिसको इंग्लिश में मैट्रिसेस बोला जाता है। ठीक है, ये आव्यूह जो है आपका बीजगणित के अंतर्गत आता है। बीज आव्यूह की खोज या आव्यूह को सर्वप्रथम जे सिल्वेस्टर नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, आव्यूह शब्द का। और आर्थर कैली नामक गणितज्ञ ने इस आव्यूह सिद्धांत की खोज रैखिक समीकरण निकाय को हल करते समय की थी, है ना। और इस आव्यूह सिद्धांत का उपयोग क्या होता है? आव्यूह सिद्धांत की सहायता से हम बीजगणित, रेखागणित, सांख्यिकी, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, इन सबको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आव्यूह क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है? तो आव्यूह क्या होता है? आव्यूह जो है वो अवयवों का या संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1001। ठीक है, ये कोई क्या है? एक मैट्रिक्स है, तो उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आव्यूह क्या हुआ? एक संख्याओं या आव्यूह जो है वो संख्याओं या नंबरों का क्रम विन्यास, आयताकार क्रम विन्यास होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आव्यूह में दो टर्म वो होते हैं, टर्म्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका, टर्म्स नहीं बोल सकते उसको, एक होता है आपका रो, नंबर ऑफ रो, और एक होता है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रो किसको बोला जाता है, कॉलम किसको बोला जाता है? हिंदी में रो को पंक्ति बोला जाता है और कॉलम को स्तंभ बोला जाता है। तो ये जो होता है इस तरीके से हम आएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? रो होता है। ठीक है, रो जिसको हम क्या लिख सकते हैं? पंक्ति। और ऐसे अगर ले, ठीक है, ऐसे अगर ले तो ये क्या होता है आपका? कॉलम। ठीक है, कॉलम देख लीजिएगा। तो ये होता है आपका, ऐसे अगर ले, ठीक है, तो ये आपका कॉलम होता है और जिसको बोला जाता है हिंदी में स्तंभ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका मैट्रिक्स जो है वो रो और कॉलम से मिलकर बना होता है, बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स में हम यूज करते हैं पंक्ति। मैट्रिक्स किससे किससे मिलकर बना होता है? पंक्ति और स्तंभ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम बोल सकते हैं ये तो हो गया आपका रो, ठीक है, मतलब पंक्ति हो गया, और ये हो गया कॉलम। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, मतलब पंक्तियों की संख्या भी दो है यहाँ पे और कॉलम की संख्या भी दो है, तो उसी को हम बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या सेम होती है। अब देखिए आव्यूह की कोटि क्या होती है। ठीक है, आव्यूह की कोटि किसको बोलते हैं? तो देख लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स है जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं ए वन वन, ए वन टू अप टू, ठीक है, ए टू वन, ए टू टू अप टू, और ये आपका हो गया ए ए एम वन, ए एम टू अप टू, ए लास्ट हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूं ए एम एन, दैट मीन्स एम क्रॉस एन। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स की कोटि क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ पे आप लिख लीजिए, लिख लीजिएगा वन एन। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स की कोटि आपकी एम क्रॉस एन कहलाएगी। कहने का मतलब क्या है, इसमें, इस मैट्रिक्स में, इस आव्यूह में एम पंक्ति है और एन कॉलम है। ठीक है, एम रोज और नंबर ऑफ रोज क्या है? एम है, और ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये पंक्तियों की संख्या होती है और ये कॉलम की संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो, और ये नंबर ऑफ
कॉलम, ठीक है। अरे चलिए देख लीजिएगा, ये होता है नंबर ऑफ कॉलम, सी ओ एल ये, ठीक है। तो एम जो होगा फर्स्ट आपका होता है, ये फर्स्ट एलिमेंट आपका बताता है, इधर से देखेंगे तो पंक्ति को बताता है, पंक्तियों की संख्या को, और ये आपका स्तंभों की संख्या को बताता है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है उसमें क्या है आपका एम क्रॉस एन है, तो एम पंक्ति और एन कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से बना हुआ मैट्रिक्स आपका कहलाता है एम एन कोटि का अवयव या फिर एम एन कोटि का मैट्रिक्स, ठीक है। और इसमें जो अवयव होंगे मतलब इस मैट्रिक्स, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, एम एन कोटि का अवयव या एम एन कोटि का मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर एम एन अवयव बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये एलिमेंट दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ए वन वन ए वन टू, ठीक है, तो ये इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ठीक है, या फिर इस मैट्रिक्स के अवयव है, समझ में आ गया। और यहाँ पे m क्रॉस n आपका m नंबर ऑफ रो को बताता है और n आपका नंबर ऑफ कॉलम को बताता है, ठीक है। मतलब m पंक्तियों की संख्या है और n कॉलमों की संख्या है। पंक्ति को मैं फिर एक बार बता देती हूँ, क्या होता है पंक्ति, जो क्षैतिज रेखा होती है वो पंक्ति होती है और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एम क्रॉस एन को देख रहे थे, इसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में आपका क्या बोला जाता है, हाँ हिंदी में उसको बोला जाता है अवयव की कोटि, ठीक है। तो यहाँ पे एम क्रॉस एन कोटि का अवयव हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका एम क्रॉस एन कोटि का अवयव बोल सकते हैं या फिर एम एन अवयव बोल सकते हैं। एम एन अवयव दैट मीन्स वही होता है ना, एम क्रॉस एन कोटि का अवयव, ठीक है। ये आपका ऑर्डर को बताता है ना, कोटि को बताता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ये नंबर आपका क्या करता है, इसके एलिमेंट को, मैट्रिक्स के एलिमेंट को बताता है। यहाँ पे जो रहता है वो मैट्रिक्स की कोटि होती है, ठीक है। और पूरा ये जो मैट्रिक्स हो गया एम क्रॉस एन लिख लिए, तो यहाँ पे एम आपका नंबर ऑफ रोज है, एन आपका नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस मैट्रिक्स को एम एन कोटि का मैट्रिक्स या फिर ऑर्डर ऑफ एम एन मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर एम एन मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम, कि कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए वन वन ए वन टू ए वन एन, ठीक है, ये सारे क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैट्रिक्स के अवयव को दर्शा रहे हैं। और यहाँ पे m क्रॉस n आपका m नंबर ऑफ रो को बताता है और n आपका नंबर ऑफ कॉलम को बताता है, ठीक है। मतलब m पंक्तियों की संख्या है और n कॉलमों की संख्या है। पंक्ति को मैं फिर एक बार बता देती हूँ, क्या होता है पंक्ति, जो क्षैतिज रेखा होती है वो पंक्ति होती है और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एम क्रॉस एन को देख रहे थे, इसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में आपका क्या बोला जाता है, हाँ हिंदी में उसको बोला जाता है अवयव की कोटि, ठीक है। तो यहाँ पे एम क्रॉस एन कोटि का अवयव हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, जिसका एम क्रॉस एन कोटि का अवयव बोल सकते हैं या फिर एम एन अवयव बोल सकते हैं। एम एन अवयव दैट मीन्स वही होता है ना, एम क्रॉस एन कोटि का अवयव, ठीक है। ये आपका ऑर्डर को बताता है ना, कोटि को बताता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ये नंबर आपका क्या करता है, इसके एलिमेंट को, मैट्रिक्स के एलिमेंट को बताता है। यहाँ पे जो रहता है वो मैट्रिक्स की कोटि होती है, ठीक है। और पूरा ये जो मैट्रिक्स हो गया एम क्रॉस एन लिख लिए, तो यहाँ पे एम आपका नंबर ऑफ रोज है, एन आपका नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस मैट्रिक्स को एम एन कोटि का मैट्रिक्स या फिर ऑर्डर ऑफ एम एन मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर एम एन मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम, कि कोई भी क्वेश्चन दिया रहता है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए। तो चलिए देखते हैं ये एग्जाम्पल, ठीक है, इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देखेंगे, है ना। तो आपका क्वेश्चन दिया गया है, तीन फैक्ट्रियों फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में
पुरुष और महिला कर्मियों से संबंधित सूचना पर विचार कीजिए। आपका ये टेबल दिया गया है, ठीक है। फर्स्ट में पुरुष कर्मियों की संख्या 30, महिला कर्मियों की संख्या 25। सेकंड में पुरुष कर्मियों की संख्या 25 और महिला कर्मियों की संख्या 31। और थर्ड में है आपका पुरुष कर्मियों की संख्या 27 और महिला कर्मियों की संख्या 36, ठीक है। तो सूचना को 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है उसको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम फोकस करेंगे इस पे, कौन सी कोटि पे बनाने के लिए बोला गया है मैट्रिक्स को, तो किस पे बोला गया है, 3x2। दैट मीन्स यहाँ पे 3 आपका नंबर ऑफ रो को बताता है, अर्थात पंक्तियों की संख्या को बता रहा है, और ये जो है 2 जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को बता रहा है, ठीक है, मतलब कॉलम की संख्या को बता रहा है। तो चलते हैं, ये हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में 3x2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं पुरुष कर्मियों की संख्या, महिला कर्मियों की संख्या, सारा हमारे पास दिया गया है, उसको हम लिखते हैं 3x2 के मैट्रिक्स में। मान लो हम उसको मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब 3x2 के फॉर्म में बनाना है, मतलब क्या है आपका, रो की संख्या कितना, 3, ठीक है। रो की संख्या आपकी 3 होनी चाहिए, तो रो हम 3 ले लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका 30। पुरुष कर्मियों की संख्या, ठीक है, और महिला कर्मियों की संख्या, है कि नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, 25 और 27। ये हो गया 25, 31 और 26, हाँ, ठीक है। अब देखिए, ये जो है आपका, ये क्या है, कॉलम है, और ये क्या है, रो है, ठीक है। अब यहां से हम बता सकते हैं आपका इसको लिख सकते हैं 3x2, ठीक है, 3x2 का मैट्रिक्स बन गया। अब हमें क्या बताना है, ये तो मैट्रिक्स हम बना लिए 3x2 का, है कि नहीं, रो की संख्या 1, 2 और 3 और कॉलम की संख्या 1 और 2, ठीक है, उसमें तो रिप्रेजेंट कर लिए, निरूपित कर लिए। अब बता रहे हैं कि तीसरी पंक्ति, ठीक है, मतलब रो, तीसरा रो और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टियां क्या प्रकट करती हैं, तीसरा रो और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टियां क्या प्रकट करती है, कहने का मतलब क्या है, तीसरा रो आपका ये हो गया, ये वाला लाइन है कि नहीं, इसको बोला गया है, और दूसरा स्तंभ वाली प्रविष्टि, दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि देखेंगे तो ये हो गया आपका, ठीक है। तीसरा रो, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है, तो ये हो गया तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ठीक है, मतलब ये जो 26 पॉइंट है वो क्या क्या को बताता है, तो 26 आपका महिला कर्मियों की संख्या बताती है, ठीक है, किसमें, तीसरे, हाँ, तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मी की संख्या को बताती है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा हल में, तीसरी पंक्ति व दूसरे स्तंभ, दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, महिला कर्मियों की यहाँ पे तीसरे फैक्ट्री में क्या की संख्या को बताती है, महिला कर्मियों की, महिला कर्मी की, अच्छा से लिखो, तीसरे फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या,
बताती हूँ। समझ में आ गया कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है? ठीक है, तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि तीसरे फैक्ट्री में महिला कर्मियों की संख्या को बताती है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करना है। चलते हैं अब आगे की ओर। ये आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, आवयव का क्रम याद करो। ठीक है, प्रश्न वाली 5.1 का पहला ही क्वेश्चन उठा के देखते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है? निम्न मैट्रिक्स का या निम्न आवयव का क्रम याद करो। ठीक है, कैसे क्रम में है उसको बता रहे हैं हमें। ठीक है, तो देखिए इसका क्रम या फिर कोटि क्या बोल सकते हैं, इसका क्रम क्या होगा आपका देख लेते हैं। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे नंबर ऑफ रो क्या है, क्रम बोलने का मतलब क्या है, एम एन बता रहे हैं हमें। ठीक है, एम क्रॉस एन इक्वल टू क्या होता है, एम एन होता है, आवयव की कोटि बतानी है। तो यहाँ पे एम एन ये आपका इस मैट्रिक्स का क्रम होगा। तो एन में क्या है आपका, एम किसको बोला जाता है, नंबर ऑफ रो को, और एन क्या होता है यहाँ पे एम क्रॉस एन भी कर सकते हैं ना इसको। एम आपका नंबर ऑफ रो होता है, एन आपका नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो यहाँ पे बताइए आवयवों का क्रम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आवयव का क्रम क्या होगा, एम क्रॉस एन, जहां पर कौन सी कोटि के लिए है, जहां एम नंबर ऑफ रो और एन नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, आवयव का क्रम एम क्रॉस एन, जहां एम नंबर ऑफ रो और एन आपका नंबर ऑफ कॉलम, एम एन कोटि का मैट्रिक्स को दिया गया है, तब हम इस तरीके से लिखते हैं। अब चलते हैं फर्स्ट की ओर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो क्या दिया गया है, ठीक है, नंबर ऑफ रो कितने हैं, दो। ठीक है, एक पहला पंक्ति और ये दूसरा पंक्ति। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, दो। मैं यहीं पे लिख देती हूँ, आंसर आप बनाते जाइएगा। टू हो गया क्रॉस, एन मतलब नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 और 4। तो ये हो गया क्या, 2 क्रॉस 4 का। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं, ए की वैल्यू क्या है, ए कोई मैट्रिक्स दिया गया है आपका 1021 के फॉर्म में, नंबर ऑफ रो कितना है इसमें, 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1 और 2। इसमें देखिए नंबर ऑफ रो कितना है, सिर्फ 1 है, 1 लाइन पे है ना, तो 1, नंबर ऑफ कॉलम 2, तो 1 क्रॉस 2। इसमें देखते हैं नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो एक ही कॉलम पे 3 दिया गया है नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो आपका क्या है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम 1 है, और ये आपका क्या है, इकलौता है, नंबर ऑफ रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, दैट मीन्स बोल सकते हैं हम इसको 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आवयव का क्रम, इसका क्या मिला हमें, 2 क्रॉस 4, इसका 2 क्रॉस 2 और इसका 1 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 1। समझ में आ गया कैसे हम आवयव का क्रम बताते हैं। अब आपका क्वेश्चन, आगे की क्वेश्चन देखते हैं, कैसे किस फॉर्म में आपका दिया गया है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक 2 क्रॉस 2 आवयव ए इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक, ये आपका कोई मैट्रिक्स का एलिमेंट इस फॉर्म में दिया गया है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए मैट्रिक्स को हम ए आई जे के फॉर्म से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए आई जे इस मैट्रिक्स का कोई मैट्रिक, ये जो मैट्रिक्स है ए का एलिमेंट है। ठीक, अब देखते हैं, चलिए ये एलिमेंट कैसा बनेगा उसको बताया गया है। सॉल्यूशन, ए इक्वल टू ए आई जे के फॉर्म में है बोला गया है, और कौन से मैट्रिक्स का है, मतलब किस कोटि का है, किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। 2 क्रॉस 2 मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं तो उस मैट्रिक्स को
स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाता है, वर्ग आव्यूह बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है तो उसको वर्ग आव्यूह या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मैट्रिक्स दिया गया है वो 2x2 का है, तो हम बना लेते हैं। ये आपका बन जाएगा आई और जे के फॉर्म में है, आई आपका रो है और जे आपका कॉलम है, तो ये हो जाएगा आपका A11, A12, A21 और A22। ठीक है, ये आपका A11, A12, A21, A22 आपका क्या हो गया, मैट्रिक्स का एलिमेंट, मैट्रिक्स का अवयव हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे दिया गया है अब जिसके अवयव निम्न है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, A11 की वैल्यू चाहिए, तो इसमें हम आई और जे दोनों की वैल्यू 1 रखेंगे तब हमारा A11 की वैल्यू मिल जाएगी, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 रखेंगे तो A12 की वैल्यू मिल जाएगी, और उसी तरीके से आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 रखेंगे तो A21 की वैल्यू मिल जाएगी, और जब आई और जे दोनों की वैल्यू 2 रखेंगे तो A22 की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ गया, अब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे A11 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, दैट मीन्स आई की वैल्यू भी 1 रखेंगे तो 1+2 का होल स्क्वायर/2 क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, और 3 का स्क्वायर मतलब 9/2। ठीक है, A12। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आई और जे का फॉर्म, समझ में आ गया। आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू क्रमशः, आई क्या है आपका यहाँ पे फर्स्ट रो में फिक्स्ड है 1 है, और यहाँ पे रो आपका फिक्स्ड, सॉरी यहाँ पे आई की वैल्यू फिक्स है और यहाँ पे क्या है, देखिए दोनों में जब ऐसे देखेंगे तो आई की वैल्यू फिक्स है ना, और इसके हिसाब से देखेंगे तो आपका रो की कॉलम की वैल्यू फिक्स है, जे की वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो देखिए A12 की वैल्यू निकालेंगे, A12 मतलब आई की वैल्यू 1 तो 1 और जे की वैल्यू 2 तो 2 और 4 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर/2। ठीक है, 4 और 1 5 का स्क्वायर 25/2। फिर देखते हैं A21 तो आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1 मतलब 2+2 का स्क्वायर बाय 2 तो 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर मतलब 16/2, इसको हम लिख सकते हैं क्या 8। ठीक है, और आगे बना लेंगे A22 मिल जाएगा हमें, क्या मिलेगा 2+4 का होल स्क्वायर/2, इसको लिख सकते हैं 6×6=36/2, ये आ गया आपका 18। अब वैल्यू पुट करेंगे, इसको ले लिए हैं इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट या पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या आ जाएगा आपका A=2 हमारा मिल जाएगा। A11 की वैल्यू क्या मिला है देखिए 9/2, A12 की वैल्यू क्या मिला है 25/2, और A21 की वैल्यू क्या मिला है 8 और इसकी वैल्यू 18, तो ये आपका आपका बन गया मैट्रिक्स। ठीक है, Aij जो एलिमेंट आपका दिया गया है इस फॉर्म में दिया गया है, जब हम इसकी वैल्यू निकाले तो ये आपका मैट्रिक्स बन के तैयार हो गया 9/2, 25/2, 8 और 18। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन के हिसाब से मैट्रिक्स बन गया। इसी तरीके से आपको कुछ भी एलिमेंट दे सकता है, उस पर वैल्यू पुट करते जाना है, और ये आपका मैट्रिक्स का फॉर्म होता है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर 2x2 का बोला गया था, ठीक है, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है। तो आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, क्या दिया गया है आपका, जब आपका ये एलिमेंट आपका मॉड्यूलस लगा हो, ठीक है, बाकी सेम है, आपका एलिमेंट में यदि इस टाइप से दिया गया है, मॉड्यूलस की यूज किया गया है, तो उसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं,
मैट्रिक्स का फॉर्म क्या है, 2x2 का है, तो 2x2 के लिए वही बनेगा A11, A12, A21, A22, ठीक है। निकालते हैं वैल्यू, Aij का फॉर्म है, i आपका नंबर ऑफ रो है और j आपका कॉलम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम A11 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, तो पुट करेंगे यहाँ पे 1/2 और ये आ गया आपका -3 और +1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 1/2 और क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, तो -2 मॉड्यूलस है, तो मॉड्यूलस हटाएंगे तो माइनस साइन भी हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2/2, ये आपका मिल गया 1। A12 की वैल्यू निकालेंगे इसी तरीके से, तो 1/2 माइनस क्या आ जाएगा, i की वैल्यू 1 है मतलब -3 और j की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये आपका आ जाएगा -1, दैट मीन्स 1/2 मॉड्यूलस में -1, ठीक है। तो इसको मॉड्यूलस हटाएंगे, मॉड्यूलस मतलब क्या होता है, प्लस माइनस दोनों रहता है, ठीक है। जब ये नेगेटिव साइन मॉड्यूलस हटाते हैं तो नेगेटिव साइन हट जाता है, तो ये क्या होता है, हाँ एक बार बता देती हूँ, जैसा कि आपका मॉड्यूलस दिया गया है, माइनस क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, ठीक है। मॉड्यूलस कैसे हटता है, मॉड्यूलस की वैल्यू होती है, ये आपका होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, 4 आएगा, 4 दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं अपन लोग, हाँ इस ये मॉड की वैल्यू, सिर्फ मॉड की वैल्यू होती है इतना, ठीक है। अब -2 दिया गया है, मॉड मतलब होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों लगा रहता है, ठीक है। तो ये हटेगा तो क्या आएगा आपका, 2 ही आएगा, ठीक। जैसे कि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटा मतलब 2 आया, ठीक है। उसी में यदि माइनस दिया गया है, -2 है, -2 लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा ना, प्लस आया, ठीक है। यहाँ पे -2 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब माइनस साइन का स्क्वायर तो प्लस ही होगा ना, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर लिख दिए तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा क्या आपका 2। तो इस तरीके से मॉड्यूलस का फॉर्म होता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा छोटी छोटी बातों को। तो चलते हैं हम आगे की ओर, इसमें आए थे, हाँ यहाँ पे आए थे, तो ये आपका आ गया 1/2। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या निकालेंगे, A22 की वैल्यू निकालेंगे, दैट मीन्स i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी 2, तो ये आपका आ गया 1/2 और माइनस क्या जाएगा 6+2, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 1/2 और ये आ गया -4, दैट मीन्स 4/2 = 2, सॉरी A21 नहीं निकाल पाई थी, निकाल लेते हैं अभी 1/2, ये हो गया -3 -6, i की वैल्यू 2 तो, और प्लस j की वैल्यू 1, तो ये हो गया 5/2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये मैट्रिक्स का एलिमेंट मिल गया। अब इस एलिमेंट की वैल्यू को पुट करेंगे, इसको ले लिए हैं फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो आपका मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगा 1/2 और 5/2, 2, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स बन गया किसका, 2x2 का, समझ में आ गया। ये तो रहा आपका मॉड्यूलस के फॉर्म में था, अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उसी के हिसाब से दिया गया है चौथा क्वेश्चन में, उसी का मैं दूसरा एग्जांपल बता रही हूँ। यदि किसी अवयव में 8 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, ठीक है। यदि किसी अवयव में अवयव क्या है, 8 है, तब उसकी संभव कोटियां क्या होंगी बोला गया है। तो देखिए अवयव की कोटि m×n, ठीक है, माना कि हम कोई अवयव की कोटि लेते हैं, m×n अवयव लेते हैं, उसकी कोटि क्या होगी, m×n है, ठीक है। तो उसमें अवयवों की संख्या क्या होती है, m होती है, होती है कि नहीं। तब हम m×n
कोटि का अवयव, ठीक है। तो संभव अवयवों की संख्या एन क्रॉस एन कोटि के अवयव में एम एन अवयव होते हैं, ठीक है। एन क्रॉस एन कोटि के अवयव में कितने अवयव होते हैं? एम एन अवयव होते हैं, ठीक है, हम जानते हैं इसको। तब क्या बोल सकते हैं? अब इसमें क्या है, अवयव में एट अवयव है कि नहीं, ये हमें पता है। कितने अवयव हैं? एट अवयव हैं। तब हमें क्या निकालना है? एन क्रॉस एन निकालना है, मतलब निकालना है। जब हमें ये पता है तो हम ये तो बता ही सकते हैं ना। तो इसका मतलब यही है कि माना कि एन क्रॉस एन कोटि का कोई मैट्रिक्स है तो उसमें अवयवों की संख्या एम एन होती है। उसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि अवयव की संख्या, कोई भी अवयव है जिसमें अवयव की संख्या आठ है तो उसका क्या निकालना है? संभव कोटि ज्ञात करना है। अर्थात हमें ऐसा गुणनफल, प्राकृतिक संख्याओं का ऐसा क्रम निकालना है, ऐसा नंबर बताना है जिनका क्या करें हम, क्रम गुणन करें, गुणनफल निकालें उनका, तो क्या आना चाहिए? आठ आना चाहिए, ठीक है। क्रमित युग्म ज्ञात करना है, बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए लिख सकते हैं संभव कोटियां ज्ञात करने के लिए हम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या निकालेंगे? क्रम निकालेंगे। उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्रमित युग्म निकालेंगे जिनका गुणनफल क्या होना चाहिए? आठ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें अवयवों की संख्या क्या है? आठ है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के सभी क्रमित युग्म करेंगे जिनका गुणनफल क्या होना चाहिए? आठ होना चाहिए। जिनका गुणनफल आठ है, ठीक है। संभव कोटि क्या लिख सकते हैं? अतः संभव कोटियां क्या क्या मिल जाएंगी? वन क्रॉस एट, ठीक है, एक का आठ से गुणा करेंगे तो आठ आएगा। फोर क्रॉस टू क्रॉस फोर, दो का चार से गुणा करेंगे तो आठ आएगा। चार का दो से गुणा करेंगे तो आठ आएगा। और आठ का एक से गुणा करेंगे तो आठ आएगा। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसमें अवयव की संख्या आठ है, अर्थात गुणनफल इसका, देखिए एम क्रॉस एम कोटि, यहाँ पे एम क्या हो गया? वन, और एम क्या हो गया? आठ, ठीक है। तो दोनों का एम क्रॉस एन निकालेंगे तो एम एन आएगा। एम एन मतलब इन दोनों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या मिला? आठ मिला। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? संभव कोटियां निकाल सकते हैं, ठीक है। और आपके बुक में एग्जांपल दिए गए हैं, उनको सॉल्व करना है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन दिया गया है। यदि मैट्रिक्स ए आपका इस तरीके से है और बी आपका इस तरीके से है, तब हम क्या निकालेंगे? ए टू टू प्लस बी टू वन निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं सॉल्यूशन। ये जो मैट्रिक्स का फॉर्म कैसे बनेगा उसको देखते हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स का फॉर्म बनेगा, ए को हम लिख सकते हैं ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू वन, सॉरी ये वन थ्री है ना, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री। ये आपका थ्री क्रॉस थ्री का मैट्रिक्स है। और ये बी को हम लिख सकते हैं, ये बन जाएगा, ये थ्री क्रॉस टू का मैट्रिक्स है। तो ए वन वन, ए वन टू और ए क्या लिख सकते हैं? टू वन, ए टू टू और ए थ्री वन, ए थ्री टू, ठीक है। ये थ्री क्रॉस टू का मैट्रिक्स और ये थ्री क्रॉस थ्री का। अब देखिए यहां से आप तुलना करेंगे तो ए वन वन की वैल्यू टू,
A12 की वैल्यू 3 और A13 की वैल्यू -5। ठीक है, अब यहाँ पे B लिए हैं तो इसको B बना दीजिए। ठीक है, A ही रहता तो A लेते, ये आपका B हो गया। ठीक, क्योंकि आपको B के फॉर्म में दिया गया, B का क्वेश्चन निकाला गया है। ठीक है, अब देखते हैं, तुलना करेंगे तो सारे की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, यहाँ से इसके और यहाँ से इसकी। ठीक है, अब देखिए क्या निकाला गया है, क्या बोला गया है, क्या निकालने के लिए, A22 प्लस B21 आप लिख लीजिएगा, सारे की वैल्यू डिफाइन कर लीजिएगा तुलना करने पर, A11 की वैल्यू 2, A12 की वैल्यू 3, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो A22 की वैल्यू क्या है, A22 दैट मीन्स सेकेंड पिच ऑफ पोजिशन 4, और B21 की वैल्यू, B21 पे चलते हैं, ये क्या है आपका -3, क्या करना है प्लस करना है, तो -3 करेंगे क्या मिलेगा 1। तो इस तरीके से A22 प्लस B21 की वैल्यू मिल गई 1, ये रहा आपका आंसर, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे आगे का क्वेश्चन। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पूरा सॉल्व कीजिएगा, नहीं बनता है क्वेश्चन पूछेगा। थैंक यू।